राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कान्हा जी के पास तो सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। जैसा कि आपको पता है कि जगन्नाथ जी की यात्रा रथ यात्रा आ रही है, तो आज देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को जगन्नाथ जी का स्वरूप देंगे। आप भी इस तरीके से उस दिन स्वरूप दें और रथ यात्रा निकालें। तो फ्रेंड्स, ये चंदन है, क्योंकि मैं कलर लगाऊंगी तो वो आसानी से छूट जाएगा, इसलिए पहले मैं चंदन लगाऊंगी। क्योंकि देखिए कान्हा जी मेकअप करे हुए हैं, तो पहले हम अच्छे से चंदन लगा लेंगे फेस पे। अगर एक बार में अच्छे से नहीं आता है तो आप दोबारा फिर से एक बार और कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, दो लेयर में ही अच्छे से हुआ है, इसलिए अब मैं इनको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चंदन सूख गया है, अब मैं करूँगी ब्लैक कलर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फेस पे प्रॉपर ब्लैक कलर कर दिया है, अब मैं इन्हें सूखने रख देती हूँ थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम इनकी आँखें। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम दोनों आंखें बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक आंख हमने रेड कर ली है, अब दूसरी कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से बनाएंगे हम व्हाइट कलर। देखिए इस तरीके से आईब्रो बनाइए। इस तरीके से व्हाइट बनाएंगे, इस तरीके से देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों आंखें इस तरीके से अभी आधी बन चुकी हैं, अभी आगे और बनाते हैं। अब तक आंखें सूख रही हैं, तब तक हम टीका बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम इनके कान। इसी तरीके से हम दूसरा कान भी बनाएंगे इनका। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक रेड बिंदी, ऐसे ही हम दूसरे कान पे भी इस तरीके से एक रेड बिंदी लगा देंगे। फ्रेंड्स, तो अब इनकी बनाएंगे हम नोज पिन। जगन्नाथ जी थोड़ी बड़ी पहनते हैं, तो उस तरीके से बनाएंगे। देखो,
अब हम बना रहे हैं इनके लिप्स, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बन गए हैं। अब बनाएंगे ऊपर वाइट लाइन, देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, एक तरफ इस तरीके से वाइट करेंगे और एक तरफ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आंखें कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए जगन्नाथ जी का रूप आ रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चों के जो किले आते हैं ना वो हैं, ये देखिए। अब इनसे जैसे जगन्नाथ जी के आगे हाथ होते हैं वो उस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से हमने किले से इनका ये हाथ कवर कर दिया है, इसमें लड्डू पकड़े हुए हैं। अब हम दूसरा हाथ कवर करेंगे इस तरीके से। आप एक वायर ले लें, देखिए इस तरीके से लगाएं, जैसे हम लगा रहे, देखिए इस तरीके से। ये देखिए वायर लगा के इस तरीके से हमने दूसरा हेड भी सेट कर लिया है, देखिए। अब हम इस पर करेंगे ब्लैक कलर। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी सब एरिया ही हम ब्लैक कर रहे हैं, अभी हाथों को भी ब्लैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों हाथ ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्ले हमने ब्लैक कलर की कर ली है। अब एक हाथ पे इनके हम बनाएंगे चक्र और एक हाथ पे बनाएंगे हम शंख। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक हाथ पे इनके चक्र तैयार हो गया है, बस रेड बिंदी रखनी है। अब इस पे हम बना रहे हैं शंख। ये देखिए अब हमारे जगन्नाथ जी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन्हें पहनाएंगे पोशाक, ये देखिए इस तरीके से। ये हम इनको लहंगा पहनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से पहनाएंगे हम पटका, इस तरीके से सेट करेंगे जैसे कुछ दिखे नहीं, देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब ये एक सेट पहनाएंगे इनको हम, ये देखिए। ये हम इन्हें एक लॉन्ग सेट पहनाएंगे इस तरीके से। रथ यात्रा तो खास होती है, तो इस तरीके से देखिए आप भी सजाइए। ये देखिए ये माला इस तरीके से, ये मैंने हाथों में सेट की है, ये देखिए। अब लगाएंगे हम इनके पगड़ी, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इनको पहले सिंहासन पर स्थापित कर लूँ। अब आप देखिए, ये आपको जगन्नाथ जी लग रहे हैं या लड्डू गोपाल? ये देखिए लग रहे हैं ना जगन्नाथ, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को रथ यात्रा वाले दिन इस तरह जगन्नाथ जी बन के तैयार करें और रथ यात्रा निकालें। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएंगे आपको मेरे लड्डू गोपाल का जगन्नाथ रूप कैसा लगा। राधे राधे।